फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्बास गिल और आप देख रहे हैं अब्बास फूड फैक्ट्री, और मैं जनाब लेके आया हूं रिफ्रेशिंग जूस आपके लिए। हम लोग नॉर्मली मार्केट में निकलते हैं जनाब, तो हमें जगह जगह पे तरबूज नजर आते हैं, तो जनाब ये खुदा का बहुत बड़ा हथियार है, इसमें बहुत सारा पानी होता है, इसको पिया करें और खाया करें। ये जनाब बहुत ही हेल्दी है आपके बच्चों के लिए, आपके अपनी स्किन के लिए, और ये जनाब एक समर ड्रिंक है, नहायत ही मजेदार और झटपट रेडी होने वाला। तो आए जी बनाते हैं जल्दी से अपना समर ड्रिंक यानी वाटरमेलन का जूस। तो ले जी, जबरदस्त किस्म का जूस बनाने के लिए मैंने लिया रेड रेड तरबूज। वाह जी वाह, क्या बात है। और उसके बाद जी मेरे पास काला नमक और जामेश्वरी का शरबत और 3 खाने के चम्मच है जी मेरे पास चीनी। और ये नमक जनाब हस्बे जायका है, ये आप अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको पसंद हो। तो ये चीजें हैं जनाब मजेदार शरबत बनाने के लिए। तो चलें जी अपना सुरख सुरख तरबूज पकड़ते हैं, तो इसको अपने ब्लेंडर में छोटे छोटे पीस करके काट लेते हैं, मजा आ जाएगा जनाब। वाह जी वाह, क्या बात है जी। और हमने जनाब इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये जनाब साथ ही इसमें डाल दूंगा चीनी, ताकि जब हमारा जूस बने तो चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी जनाब इसको खोल के मैं कुछ और पीसेस हैं वो भी इसमें डाल दूंगा। फिर एक दफा घुमा देंगे इसको। और साथ ही मैं जनाब इसको एक स्ट्रेनर की मदद से इस डिस्के में डाल लूंगा। और इसी तरह जनाब बाकी जो मेरे पास तरबूज बचा है इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। ले जनाब हमारा दूसरा जग भी रेडी हो चुका हुआ है। और ये देखें जनाब हमने डाल दिया हुआ है इसको, और एक चम्मच की मदद से जनाब इसको इस तरीके से इसकी जो पल्प है वो ऊपर आ जाएगी, बीज ऊपर आ जाएंगे और जो हमारा जूस है वो नीचे चला जाएगा। और ये जनाब अब असल काम शुरू होता है, अब हमने इसको बनाना है जनाब कमर्शियल तरीके से। ये जनाब 1 टीस्पून है काला नमक, ये जाएगा इसमें। वाह जी वाह। और साथ जनाब ये जाएगा मेरे पास है जामेश्वरी, ले जी। और अच्छे से जनाब इसको मिक्स कर लेंगे। ले जनाब, और ये इस तरीके से जब मेहमानों के सामने रखेंगे ना तो जनाब मजा आ जाएगा। और अब जाएगी इसमें बर्फ, बर्फ भी जनाब आप अपने जितना आपको ठंडा चाहिए उस हिसाब से बर्फ डाल लीजिएगा, लेकिन बर्फ लाजमी जाएगी इसमें, इसके बगैर इसका मजा नहीं आएगा। अच्छे से जनाब ठंडा कर लेते हैं इसको। और एक और खास चीज जी, और ले जनाब देखें थोड़ा सा तरबूज रख लिया था, अब आपने किस तरीके से इसको डालना है, इसको जनाब इस तरीके से बारीक बारीक लाइन लगाएंगे इसकी, इस तरीके से इसको जनाब इस तरीके से, और ये जनाब इस तरीके से आप इसको, जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त, क्या बात है जनाब।
और ये डालने के बाद जनाब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जनाब, आपको कमर्शियल तरीके से सिखा रहा हूँ। वाह जी वाह, ये जो छोटे छोटे स्लाइस जब मुंह में आएंगे ना तो बड़ा मजा कराएंगे जनाब। ले जैसे जैसे ठंडा हो चुका होगा। वाह जी वाह, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही जनाब काले नमक की। और जनाब सर्व करने से पहले आप एक दफा इसको टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर जामनेश्वरी कम है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नमक कम है तो वो भी इसमें ऐड कर दें। तो ले जनाब, तो ले। ले जी दूसरे ग्लास को भी। और ये है जनाब हमारा समर ड्रिंक वाटरमेलन का जूस। क्या बात है जी, क्या खूबसूरत है और उतना ही मजेदार होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। तो जनाब इतनी मेहनत से बनाया तो ट्राई तो बनता है। बहुत ही आला, बहुत मजेदार जनाब, यकीन माने कि आपको मजा आ जाएगा, दिल तस्कीन मिलेगी, ठंडक मिलेगी और आप कहेंगे कि क्या बात है। अभी के लिए इजाजत दें और आपका वाटरमेलन का जूस कैसा बना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।